हेलो, वेलकम टू माय चैनल कला संचरिता। आज मैं आप लोगों को आर्ट में कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि मेरे पास कौन कौन सी मटेरियल्स हों जिनसे हम ड्राइंग बना सकें, चित्रकला बना सकें, किन किन मटेरियल्स का यूज़ करें, किन किन सामग्रियों का यूज़ करें, उसी पे मैं आज का अपना ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा और छोटे बच्चे तो ख़ास तौर से इसे पसंद करेंगे और बच्चे इसको देख करके उन मटेरियल्स को कलेक्ट करके पेंटिंग बनाएं और इन्जॉय करें। चित्रकला सामग्री, ड्राइंग मटेरियल्स। सबसे पहले इसमें ड्राइंग पेपर आता है जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं। दूसरा है पेंसिल, पेंसिल से ही हम ड्रॉ करते हैं। तीसरा है रबर, अगर पेंसिल से कहीं गलती हो जाती है तो रबर से मिटा करके उसको ठीक कर लेते हैं। चौथा है ब्रश, ब्रश से हम रंग लगाते हैं, कलर को लगाने के लिए ब्रश का यूज होता है। और पांचवा है रंग, रंग जो होते हैं वो चित्र को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसलिए रंग का हम प्रयोग करते हैं। और छठा और अंतिम है ज्यामिति बॉक्स, ये अगर हमको परफेक्ट लाइन खींचनी है या सर्कल खींचना है तो स्केल, प्रकार, इन सब की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमको स्केच बुक चाहिए या ड्राइंग कॉपी चाहिए, इसके पेज वाइट होते हैं, इस पर ड्राइंग बनाते हैं। फिर कलर्ड पेपर पर भी हम ड्राइंग बना सकते हैं, ये लूज भी बाज़ार में मिलते हैं। और इस पर बॉर्डर बनाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं, बड़ी स्केल, छोटी स्केल। सर्कल बनाने के लिए प्रकार का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेंसिल, ब्रश का प्रयोग करते हैं कलर लगाने के लिए, बॉर्डर लाइन को प्रॉम्प्ट करने के लिए पेन का यूज़ करते हैं, मार्कर का यूज़ करते हैं और स्केच पेन का यूज़ करते हैं। अंत में जो सबसे अट्रैक्टिव होता है वो कलर होता है। कलर कई तरह के आते हैं, अगले वीडियो में मैं अलग अलग इनके बारे में आपको बताऊंगी, कौन सा रंग किस चीज़ के प्रयोग में आता है। रंग कई तरह के होते हैं, ऑयल कलर और वाटर कलर। इसको मिक्स करने के लिए पैलेट की ज़रूरत होती है, वाटर कलर को मिक्स करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा ना कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करके हम पेंटिंग्स बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो जब भी आप पेंटिंग बनाने बैठें तो ये सारी मटेरियल्स को कलेक्ट करके और इसका यूज़ करें, देखिए आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर बनेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। थैंक यू।